देखिए जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में इस वजह से कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें वोट बैंक कम करना चाहते हैं, परंतु ये वोट बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश के अलावा आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करती, केरल में क्यों नहीं करती, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं करती, और ये जो गुजरात में क्यों नहीं करती, परंतु उत्तर प्रदेश को ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज का वोट बैंक है उसे खिसका के ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो विरोधी ताकते हैं, जो जो जातिवादी ताकते हैं, उनको ये जिताने का प्रयत्न करेंगे। इनका सिर्फ वही है। और दूसरी बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का एक ही जो है रिजल्ट रहेगा उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि 22% दलित हैं, 12% ब्राह्मण हैं, मायावती इसी कार्ड को खेलेंगे, ब्राह्मणों को इसलिए अपने पास ला रही है। देखिए अगर हम मुस्लिमों को लाएं तो आप कहते हो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लिया है, उनको लिया है। हम ब्राह्मणों को का से के साथ रहे तो आप कहते हो सतीश चंद्र मिश्रा को लिया है, रितेश पांडे को लिया है। अगर हम किसी गुज्जर समाज को साथ रखें तो आप कहोगे मलुक नागर को लिया है। अगर हम जाट समाज को साथ रखें तो आप कहोगे कि इनके टिकैत वगैरह को लिया है। अरे कहीं तो जीने दोगे आप? नहीं, अगर सर 12% ब्राह्मण वोट मिल जाता तो फिर सरकार तो बन जाएगी। देखिए हमारे लिए 22% दलित 34% वोट हो गया तो क्यों आप मैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट बैंक भी जोड़ूंगा मैं तो उसमें, कि भाई मुस्लिम भी जाए हमारे साथ आएगा, उसके अलावा मैं जाट समाज होगा तो सपा अपना दावा ठोक रही है ना। नहीं वो देखिए वो उनका वोट बैंक, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी मुस्लिम नहीं है। जितना अत्याचार मुस्लिमों के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ, एक छोटी छोटी गो कशी के नाम पे सरेआम उनको मार दिया गया है, मुस्लिम समाज त्रस्त है। तो हमारे लिए अगर आप हमारे लिए पाला तय करते हो कि ब्राह्मण को चूज करेंगे या मुस्लिम को चूज करेंगे, हमारे लिए ब्राह्मण भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए गुज्जर भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए जाट भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुजन समाज भी हमारा भाई है, हमारे लिए बनिया भी हमारा भाई है। और जो आप कार्ड की बात करते हो ना, आप ये सोचते हो कि अगर बसपा के साथ ब्राह्मण चला गया तो मुस्लिम उसे वोट नहीं डालेगा। 2007 में गया ना सरकार बनी, वो हमेशा गया। 2012 देखिए जब आप 1 या 2% की जो बारे में कहां गया वो नहीं, बिल्कुल गया है। आप मुझसे अगर आप डाटा वाइज बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों नहीं गया। देखिए 1 या 2% पहले जिस सीट पर हम 1 लाख वोट से जीतते थे, उसके बाद हम उसी सीट पर 2-2.5 लाख वोट से नहीं जीते। इसका मतलब क्या है? आप कहोगे कि भाई मुस्लिमों की वजह से आ रहे हैं, हमें मुस्लिम समाज से कोई बैर नहीं है, मुस्लिम समाज की आवाज उठाने के लिए हम कल भी पार्लियामेंट में बैठे थे, आज भी हैं, और कुंवर दानिश अली साहब इतनी आवाज उठाते हैं कि इतनी शायद किसी ने ना उठाई। लेकिन सर सबसे ज्यादा सीट आम मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी यूपी में देती है जी, लेकिन वोट फिर कम क्यों मिलता है मुस्लिम समाज का? देखिए ये बात सही नहीं है कि मुस्लिम समाज का वोट बैंक कम मिलता है, ये बात ठीक है कि हम उन्हें उनकी हिस्सेदारी की, और बहुजन समाज पार्टी की तो पॉलिसी है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम जो है उनके हिसाब से उनके अनुपात के हिसाब से सभी जातियों को हम प्रतिनिधित्व देते हैं, इसमें स्पेशल कोई मुस्लिमों के लिए ही नहीं है। जमीन पर तब उतरेगी बीएसपी पार्टी हमेशा। जमीन के किस मुद्दे की आप बात करते हैं? आपको लगता है कि हम झंडा लेके पुलिस के डंडे खाएं? आपको ये लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर आ जाए? आपको ये लगता है कि हम आईएएस पीसीएस का सपना ना देखकर हम हाथों में डंडा लेकर पुलिस के डंडे खाएं और हम आने वाली जो जनरेशन है उसे खराब कर दें? आपको ये लगता है कि जमीन पर बहुजन समाज पार्टी जब पिटेगी, जब उतरेगी, जब अपने लोगों को बर्बाद करेगी तभी उतरना संघर्ष है? तो आपकी गलतफहमी है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले एक हैशटैग चलाया था, नेशन वांट्स बहन जी, और आप विश्वास करेगा कि वो ट्विटर पे नंबर 1 ट्रोल करने लगा। तो क्या आप इसे जमीन पे उतरने का संघर्ष नहीं मानते? जब हमारा आइडियोलॉजिकल विचार है और जब हम बहन जी की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, हर जगह बहुजन समाज पार्टी के जो सपोर्टर है, और ये जो सपोर्टर है ये बिना किसी आईटी सेल के काम कर रहे हैं, और जब ये बिना किसी आईटी सेल के हम ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर सकते हैं, तो आपको अगर ये लगता है कि हम आज भी उसी तरीके से लड़ेंगे कि सड़कों पर उतर के, जैसे कुछ जो लोग हैं हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करके सहारनपुर में सैकड़ों लोगों को जेल भेज देते हैं, गुरु रविदास मंदिर के नाम पर सैकड़ों लोगों को जेल भिजवा देते हैं, और सामाजिक संघर्ष के नाम पर सैकड़ों लोगों को जेल भिजवा देते हैं, और उसके बाद उनसे पूछते नहीं है? तो ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो आपकी देखिए हम तो बाबा साहब और साहब काशीराम जी के पढ़ने वाले लोग हैं,
साहब काशीराम जी ने बिल्कुल कहा था कि भाई हमारे जो लोग हैं उन्हें पार्लियामेंट में बैठ के अपनी बात रखनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोग तो यही मायावती पे सवाल उठाते हैं कि सड़कें सुनसान है तभी तो ये संसद आवारा हो। नहीं नहीं, अगर नहीं नहीं अगर सड़कें सुनसान है और संसद आवारा है तो हमारे जो लोग हैं वो बलि देने के लिए नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो बलि देने के लिए नहीं है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो हमारे युवा है, हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लड़ाई लड़ने के लिए वो भावी पीढ़ी तैयार कर। आप ये भी तो नारा देते हैं ना, जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करते। देखिए जिंदा किसने नारा दिया, बहुजन समाज पार्टी का नारा नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नारा जानता हूँ कि पार्लियामेंट वो मास्टर की है जिसके द्वारा आप हर ताले की चाबी खोल सकते हैं, हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यानी कि आप मुझे रोड पे ले आओ, मैं तो बाबा साहब का सिपाही हूँ, मुझे 5 साल क्या 10 साल भी अगर सामाजिक परिवर्तन को संवैधानिक रूप से अगर बदलने की बात करनी होगी तो मैं 10 साल भी इंतजार करूंगा। परंतु गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक और कोई भी गैर राजनीतिक, गैर कानूनी काम मैं नहीं करूंगा। क्योंकि पर लोग तो ये कहते हैं 5 साल तो संविधान, 10 साल बचेगा नहीं संविधान, तो फिर संवैधानिक आधार पर चलोगे? संविधान को मिटाने वाले कितने चले गए, जो बात बात पे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो बात बात पे जातिवाद की बात करते हैं और जिनकी औकात नहीं थे फटे नोट बदलने की, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। तो संविधान किसी के बाप के खेत की मूली नहीं है कि कोई भी उखाड़ेगा फेंक देगा। संविधान के बदौलत हम हैं। और जो कहते हैं कि 10 साल, यही बात 1950 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उस वक्त बोल दी थी कि हम अंतर विरोधों के बीच में जा रहे हैं, इसे लागू करने वाला अगर लागू करेगा तो हमें इसके इम्प्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर आप सोचते हो कि 10 साल में संविधान खत्म हो जाएगा तो गजेंद्र जी ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। संविधान जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा, राजनीति का स्थिरता चलती है। आप मानते संविधान पे हमला नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, ये तो देखिए ये संविधान पे हमला नहीं है, ये इनकी जो जातिवादी घृणित सोच है, जो मनुवादी सोच है, वो उसके हिसाब से उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। अगर संविधान पे हमला हो रहा है तो संविधान को बचाने वाले लोग भी आज मौजूद हैं। अगर संविधान को बचाने वाले लोग आज यहाँ मौजूद नहीं होते तो हमारे आगे आज भी एनडीए और पीछे झाड़ू होती। तो संविधान को बचाने के लिए, और संविधान को बचाने का कोई ठेका जो है वो किसी एक विशेष वर्ग के पास नहीं है। बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति करती है, बीएसपी के पास क्या काट है उसकी? देखिए हम बीजेपी, देखिए हम रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अगर आप सोचते हो कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो भाजपा की तरह हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, जाति की बात करेगी, दंगों की बात करेगी, मंदिर की बात करेगी, तो वो हम बात नहीं करेंगे। अगर उसकी लाइन जो है उसकी लाइन गलत है, हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है। हमारी लाइन है संविधानवाद और लोकतंत्र, उनकी लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ मनुवाद और भीड़तंत्र और उनकी जातिवाद, और हम जातिवाद और धर्मवाद से बहुत ऊपर है। तो हमें उसकी काट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाना है, साहब काशीराम जी के सपनों का एक भारत को साकार करना है, तो बहुजन समाज पार्टी तो उसी चीज पर चलती है। लेकिन सर बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में नवजात कानून लेकर के आई है, 2 बच्चों का कानून भी लेकर के आ रही है, जो वोट बैंक काफी प्रभावित होता है। देखिए ना मस्जिद की बात कर, ना शिवालयों की बात कर, खाली सिकन मिले हैं निवालों की बात कर, तो जब ये लोग जो है इस पूरे के पूरे भूख को, बेरोजगारी को, जातिवाद को, आतंकवाद को ये दबाने के लिए जब ये जिन मुद्दों को लेके आते हैं वो मुद्दे हमारे नहीं है। हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, हमारा मुद्दा यूनिटी का मुद्दा है, हमारा मुद्दा जो है संविधान को एक बनाने का मुद्दा है। और जब ये नए नए कानून बनाते हैं, लव जिहाद, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, अरे सबसे ज़्यादा 2 से ज़्यादा बच्चे गैर मुस्लिम है पूरे भारत में। और जो बिल पेश कर रहे हैं उनके खुद के 4-4 बच्चे हैं, जिन्होंने बिल बनाया वो 8वीं 9वीं संतान हैं, और जितने भी एससी एसटी ओबीसीज हैं उनके बहुत सारे बच्चे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई खेत में काम करने वाला है तो वो व्यक्ति सोचता है कि खेत में काम करने वाले 2 से ज़्यादा बच्चे हों, ताकि एक बुआई करे, एक सिंचाई करे, एक मार्केट लेके जाए और एक पानी लगाए। तो ये जो है ये उनके लिए भी है। अगर आप सोचते हो कि 2 से ज़्यादा मुस्लिमों के बच्चे हैं तो जो सोच रहे हैं उनकी सोच खुद की है, परंतु गैर मुस्लिमों के उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं? तो ये तो जब आप टारगेट तो मुस्लिम कर रहे हो, ये मिसफायर जो कर रहे हो ये मुस्लिमों के लिए नहीं, गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए हैं, बेसिकली ओबीसीज के लिए हैं। क्योंकि खेतों का काम, भैंसों का काम, गायों का काम और बिजनेस का काम ये 1 से ज़्यादा लोग चलाने के लिए उसमें चाहिए। तो ओबीसी एससी एसटी विल बी द मोस्ट इफेक्टिव पर्सन ऑफ दिस लॉ। उनका कंट्रोल नहीं होता अपने जनप्रतिनिधियों पर, ये कैसे रुकेगा?
देखिए दूसरी जो आपकी बात है कि बीएसपी का अपने जनप्रतिनिधियों पे कंट्रोल नहीं होता, तो आप इसका मुझे एक भी उदाहरण बताइए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र अनुशासन में रहने वाली पार्टी है उत्तर प्रदेश की। अगर आपको अनुशासन देखना है तो आप ये देखिए कि जब अखिलेश यादव का जब शपथ समारोह हुआ था तो उसमें क्या हाल हुआ था, और जब बहन जी का शपथ समारोह जब उत्तर प्रदेश में होता है तो उसमें कितना अनुशासन होता है। सवाल ये है ना, जो लोग विधायक चुन के आते हैं वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। देखिए दो चीजें हैं, आप अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो मुझे पूरी दुनिया की एक राजनीतिक पार्टी ऐसी बता दो जिसमें से जो विधायक सांसद या उसके नेता टूट कर नहीं जाते हो, क्या दुनिया की? जाते हैं लेकिन बीएसपी के कुछ ज्यादा चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अखबारों को देख के अपना मन बना रहे हो, हमारा तो गली का कुत्ता भी अगर निकल के भाग जाएगा तो उसकी फ्रंट पेज पे खबर छप जाएगी और उनका जो है शेर भी हमारी पार्टी में आ जाएगा तो आप उसे चौथे पेज पे लगाओगी। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जब से बनी है और आज तक 50% से जो ज़्यादा नेता हैं वो दूसरी पार्टियों के हैं, हमारे नहीं हैं। हमारे सेल्फ डेवलप जो लीडर्स हैं वो 50% के आसपास है। आप कभी सुनते हो कि भाई बहुजन समाज पार्टी में ये नेता आया? क्योंकि हमारी एक मानसिकता है कि हम जो है ये देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष वहां चला गया और इसको फ्रंट पेज न्यूज देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, और मुझे एक बात बताओ, जो भी पेड़ है पेड़ से अगर पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पेड़ नहीं, नए पौधे नहीं आएंगे। जो बहुजन समाज पार्टी बुद्धिज्म की बात करती है, बुद्धिज्म कहता है कि जो चेंजेस आर रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। और अगर आप ये सोचते हो कि बहुजन समाज पार्टी में जो आता है वो उसी का रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। राजनीतिक पार्टी पूरी दुनिया के अंदर लीडरों की दल बदल होती है। जो एक बार बताओ, जो 8वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनी, दल बदल का जो कानून बना वो क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए बना था? ये तो इन्होंने अपने लिए बनाया था कि भाई हमारी पार्टी से लोग टूट के ना जाए। उसके बावजूद भी कांग्रेस और बीजेपी के 70% लीडर टूट के क्षेत्रीय दलों में गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी तो फिर भी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके अंदर लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। परंतु अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी राज्यों की बात करोगे, वहाँ पे जो लीडर्स हैं, जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी पार्टियों के हैं। परंतु आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि हमें जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रति नकारात्मकता की बात करनी है। आप मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पास लीडर ना हो? और पूरे भारत की 543 सीट्स में, लोकसभा सीट में से कौन सी लोकसभा सीट ऐसी है जिससे हमने इलेक्शन ना लड़वाया हो? तो क्या ये लीडर्स नहीं है हमारे पास? चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम को लेकर आपका फिर क्या रोल है? क्योंकि आरोप लग जाते हैं फिर बीएसपी की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। देखिए, आपको शायद ये तथ्य ना पता हो कि पूरे भारत में ईवीएम का विरोध करने वाली सबसे पहली जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी वो बहुजन समाज पार्टी थी। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली जो सबसे पहली पार्टी थी वो बहुजन समाज पार्टी थी। ईवीएम के खिलाफ जो सबसे पहले प्रदर्शन करने वाली पार्टी थी वो बहुजन समाज पार्टी थी। और आज भी हम पूरे पार्लियामेंट के अंदर और सब जगह प्रदर्शन की जो बात हुई वो हमेशा के लिए नहीं हुई थी, ये उस वक्त के लिए हुई थी कि हम इनका विरोध करेंगे, और आज भी हम उसी विरोध में हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से। तो वही है ना बीबी, नहीं हमने तो हम ये चाहते हैं ना कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। हम ईवीएम के चक्कर में नहीं है अभी भी, हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो, और ईवीएम पे हमारा भरोसा नहीं है।